हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां तुर्की में भारत ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान की बढ़ गई चिंता। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान लौटने लगा जमीन पर। बताएंगे दोस्तों आखिर भारत ने कौन सा गेम खेल दिया, और साथ ही साथ दोस्तों उससे भी बड़ी खबर आपको बताएंगे जहां पर पल भर में होगा दुश्मन का खात्मा। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन तपस रखेगा सब पर नजर। जी हां दोस्तों, कब भरेगा ये उड़ान सबसे पहले आपको बताएंगे, और साथ ही आपको बताएंगे जहां पर टूट गई कंगाल पाकिस्तान की सारी उम्मीद, आईएमएफ ने कर्ज देने से कर दिया इनकार। जी हाँ दोस्तों, और आईएमएफ के इनकार करने के बाद दोस्तों ऐसा कुछ हुआ कि अब पाकिस्तान कभी उठने की नहीं सोच सकता, सारी जानकारी बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो का अंत तक बने रहेगा, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते हैं, मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व में नंबर वन सेना है और मेरा भारत महान है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ तुर्की में भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि पाकिस्तान की बढ़ गई चिंता। बता दे, तुर्की में आए भीषण भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी हैं, जिसमें भारत एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत ने तुर्की में ऑपरेशन दोस्त के तहत 6 विमानों से राहत सामग्री, 30 बिस्तरों वाला मोबाइल अस्पताल, मेडिकल सामग्री सहित सभी जरूरी सामान पहुँचाए हैं। भारत की एनडीआरएफ की 2 टीमें जिसमें एक डॉग स्क्वाड भी शामिल है तुर्की में बचाव कार्य में जुटी है। तुर्की ने भारत की तरफ से दी जा रही मदद के लिए उसका आभार जताते हुए उसे अपना सच्चा दोस्त बताया था। तुर्की और भारत के रिश्ते पिछले कुछ दशकों में ठीक नहीं रहे, लेकिन भारत मानवीय मदद में हमेशा आगे रहा है। भारत जोर शोर से तुर्की की मदद में जुटा हुआ है, तो वहीं पाकिस्तान खुद आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, ऐसे में वो तुर्की की बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तानी विश्लेषकों को भारत और तुर्की की करीबी का डर सताने लगा है। पाकिस्तानी मीडिया में भी इसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। पाकिस्तानी विश्लेषकों का कहना है कि भारत इस आपदा को एक कूटनीतिक अवसर के तौर पर देख रहा है और मदद के जरिए अपने प्रति तुर्की के रुख को बदलने की कोशिश कर रहा है। भारत मदद के जरिए तुर्की को जता रहा है कि वो उसका हमदर्द है। पाकिस्तान के राजनीतिक विश्लेषक कमर चीमा का कहना है कि भारत तुर्की को भारी मात्रा में मदद भेज रहा है, ये पीएम मोदी की स्मार्ट रणनीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की मानवीय आपदा कहीं भी आ सकती है, दूसरी बात कि ऐसी आपदाएं एक तरह से अवसर भी हैं। भारत मुस्लिम वर्ल्ड से अपनी नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और भारत की पिछली सरकारों ने जो गैप बनाया था कि तुर्की मुस्लिम देश है और इसे तो पाकिस्तान के साथ ही रहना है, अब वो गैप खत्म हो चुका है। हालात इस कदर बदले हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड को कश्मीर की जो चूरन बेचता था वो अब बंद हो गया है। इसका कारण है ये है कि मुस्लिम देशों को अब कश्मीर में कोई दिलचस्पी रही नहीं, वो तो खुद इजराइल से अपने रिश्ते ठीक करने में लगे हैं, कश्मीर के मसले को वो भूल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में पाकिस्तान ये मान चुका है कि कश्मीर मुद्दे पर अब तुर्की भी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा और वो भारत के साथ हमदर्दी जता करके भारत को अपना एक अच्छा दोस्त बता देगा तुर्की, ऐसा पाकिस्तान का कहना है दोस्तों। और उनका कहना है कि ये मोदी जी की स्मार्ट नीति का सबसे बड़ा रणनीति है। बहरहाल आपको जो भी लगता है दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताएगा, लेकिन आलोचना करना पाकिस्तान का हमेशा से एजेंडा रहा है। लेकिन दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान हमेशा से भारत का आलोचना करता रहा है, लेकिन उस आलोचना को करते करते पाकिस्तान को पता भी नहीं चलता कि वो भारत की तारीफ कर जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान तो बुराई सोच करके करता है, लेकिन पूरे विश्व में भारत की वाहवाही हो जाती है। ऐसे में दोस्तों हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। तो दोस्तों कमेंट में मेरा भारत महान लिखना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हर भारतीय को पता चले कि आज भारत किस स्तर तक पहुंच चुका है कि उसके दुश्मन भी तारीफ करने लगे हैं। चलते हैं दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पल भर में होगा दुश्मन का खात्मा। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन तपस रखेगा सब पर नजर, अगले हफ्ते भरेगा ये उड़ान। जी हां, भारत में बना पहला स्वदेशी उन्नत टोही ड्रोन यानी मानव रहित यान अगले हफ्ते लोगों की नजरों के सामने उड़ान भरता नजर आएगा। तपस ड्रोन को अगले हफ्ते बेंगलुरु में होने वाले एरो इंडिया शो में पहली बार सबके सामने उड़ान भरते हुए दिखाया जाएगा। एरो इंडिया शो में डीआरडीओ के तपस ड्रोन के साथ ही 180 से ज्यादा विमान उड़ान भरेंगे। जानकारी के मुताबिक तपस BH-201 इस एरो शो में अपनी खूबियों का प्रदर्शन करेगा। बता दें कि तपस से इतर एक अन्य स्वदेशी युद्धक ड्रोन घातक भी इस साल जून जुलाई में अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि तपस का पूरा नाम है टैक्टिकल एयर बॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलेंस बियॉन्ड द होरिजन। जी हां दोस्तों, इसे डीआरडीओ ने ही बनाया है। ऐसे में तपस ड्रोन केवल सीमाओं पर निगरानी रखने ही नहीं बल्कि दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। 2016 से ही तपस का उत्पादन शुरू किया जा चुका है, हालांकि इसे अभी तक भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है। माना यह जा
रहा है कि इस उड़ान के बाद ये भारतीय सेना में जल्दी ही शामिल हो जाएगा। अगर आप भी मानते दोस्तों कि ये सक्सेसफुल ही हुआ है और आगे भी सक्सेसफुल होगा, तो दोस्तों अपने भारतीय वायुसेना को इसके लिए ऑल द बेस्ट जरूर कह दीजिएगा और कमेंट में मेरा भारत आत्मनिर्भर भारत कहना मत भूलिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानियों पर आई नई आफत, बिना लोन दिए ही लौट गई IMF की टीम। जी हां दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने पाकिस्तान को 1.7 अरब अमेरिकी डॉलर का बचा हुआ लोन अप्रूव नहीं किया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर इस्लामाबाद में उसकी टीम 10 दिनों तक मंथन और पाकिस्तानी अधिकारियों से बातचीत करने के बाद वॉशिंगटन लौट गई है। अब IMF टीम के लौटते ही भयंकर नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने पहले से ही खस्ता हाल पाकिस्तानियों पर 170 अरब रुपए का टैक्स बोझ लाद दिया है। नया टैक्स 4 महीने के अंदर ही वसूल लिया जाना है। जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री ने दावा किया है कि वैश्विक ऋणदाता यानी IMF के साथ बातचीत सकारात्मक तौर पर समाप्त हुई है। दुनिया में हो रही आलोचनाओं और के बीच उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सरकार मिनी बजट के माध्यम से 170 अरब रुपए का कर लगाने जा रही है ताकि IMF ऋण कार्यक्रम को पुनर्जीवित किया जा सके। जी हां दोस्तों, ऐसे में एक चीज तो क्लियर है दोस्तों कि IMF ने अगर ये लोन अप्रूव नहीं किया है तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि IMF को वो लोन नहीं चुका पाएगा। यानी कि अब वो स्थिति आ चुकी है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान अब उठने लायक नहीं बचा है दोस्तों, और यही वजह है कि उसको लोन नहीं मिला है। जब IMF ने लोन देने से मना किया है दोस्तों, तो अन्य देश और उसके साथी किसी भी कीमत पर उसको लोन नहीं देने वाले। जी हां, ऐसे में पाकिस्तान का जिस प्रकार से दिवालिया हुआ है दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप लोग किस चीज को मानते हैं कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और दोस्तों नीचे लाइक का बटन होगा, जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां कश्मीर पर पाकिस्तान की बयानबाजी से भड़क रहे हैं ब्रिटेन के मुस्लिम, खालिस्तान समर्थकों से भी सावधानी जरूरी। जी हां, ब्रिटेन सरकार द्वारा आतंकवाद को रोकने के लिए बनाई गई योजना की समीक्षा के दौरान इस्लामी चरमपंथ को देश के लिए बड़ा खतरा बताया गया है। समीक्षा में सिफारिश की गई है कि देश को इसे प्राथमिक खतरा मानते हुए निपटने की योजना बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है, जिसमें कट्टरवाद भी शामिल है। समीक्षा में खालिस्तान उग्रवाद समर्थक और कश्मीर मसले पर ब्रिटेन के मुसलमानों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इसी सप्ताह प्रकाशित आतंकवाद विरोधी प्रारंभिक हस्तक्षेप रोकथाम रणनीति की समीक्षा में चेतावनी दी गई है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की बयानबाजी ब्रिटेन के मुस्लिम समुदायों को प्रभावित कर रही है और उनमें भारत विरोधी भावनाएं भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रिटेन में सक्रिय खालिस्तान समर्थक समूहों द्वारा प्रसारित किए जा रहे भारत विरोधी झूठ के खिलाफ भी चेतावनी दी गई है। जी हां, रिपोर्ट में कहा गया है कि इस बात के साक्ष्य मिले हैं जिसमें चरमपंथी समूह हिंसा फैलाने का आह्वान कर रहे हैं। कहा गया है कि यूके में एक पाकिस्तानी मौलवी को कश्मीर में हिंसा के प्रयोग का आह्वान करते हुए देखा गया है। इसके अलावा कहा गया है कि यूके में आतंकवाद के अपराधों के दोषी लोगों के उदाहरण है, जिन्होंने पहले कश्मीर में लड़ाई लड़ी थी, बाद में वे अलकायदा में शामिल हो गए। जी हां, रिपोर्ट में खालिस्तान समर्थक उग्रवाद के मुद्दे पर कहा गया है कि यूके के सिख समुदायों से खालिस्तान समर्थक चरमपंथ के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमेरिका में चीन दलाई लामा को लेकर सांसदों ने पेश कर दिया है नया कानून। कहा शांति वार्ता शुरू कराने की अमेरिकी नीति होगी मजबूत। जी हां, चीन से तनातनी के बीच अमेरिकी सांसदों ने अपनी तिब्बत पॉलिसी को लेकर एक कानून पेश किया है। ये कानून चीन और तिब्बत के बीच बातचीत शुरू करने की अमेरिकी नीति को मजबूत करता है। सांसदों के एक दुदलीय समूह ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट में इस कानून को पेश किया है। ये कानून तिब्बती लोगों की स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण तिब्बत पर उनके मतभेदों का समाधान करने की दिशा में पेश किया गया है। दावा किया गया है कि ये कानून तिब्बतियों और चीन के बीच वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्वक मतभेदों को हल करने के दीर्घकालिक अमेरिकी सरकार के लक्ष्य को मजबूत बनाता है। साथ ही साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बेंगलुरु से हुई G20 की बैठक की शुरुआत, पहले ही दिन इन मुद्दों पर रहा फोकस। जी हां, भारत की अध्यक्षता में G20 देशों की बैठक आरंभ, आज यानी बृहस्पतिवार से बेंगलुरु में शुरू कर दिया गया है। G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के तहत पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक में खनन और वन में आग लगने से प्रभावित इलाकों के पुनर्द्वार पर ध्यान केंद्रित किए जाने का निर्णय लिया गया। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मेलन की अध्यक्षता मंत्रालय की सचिव लीना नंदन कर रही है और इस कार्य समूह की फरवरी और मई के बीच 4 बैठकें होंगी। जी हां दोस्तों, ऐसे में अपने भारतीय कैबिनेट को दोस्तों जो G20 समिट को होस्ट कर रही है उसको ऑल द बेस्ट कहना मत भूलिएगा ताकि अच्छे से ये समिट कंप्लीट हो सके दोस्तों और हमारे भारत का नाम और ज्यादा ऊंचा हो। और दोस्तों मोदी है तो मुमकिन है कमेंट में लिखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, उनको लॉन्ग लिव मोदी जी कह दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी।
अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।